नवरात्रि की व्रत कथा। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज आपको नवरात्रि की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को आप अंत तक जरूर सुनिएगा, जिससे माँ जगदम्बा की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी। यह व्रत कथा अत्यंत ही रहस्यपूर्ण और गोपनीय है। सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे परिवार को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। नवरात्रि का जो कोई व्रत करता है उसे इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। तो कथा इस प्रकार है, बोलिए जगदम्बे मात की जय। बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वाले श्रेष्ठ है। हे प्रभु, कृपा करके मेरा वचन सुनो। चैत्र आश्विन और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का क्या फल है, किस प्रकार करना उचित है और पहले इस व्रत को किसने किया है, यह सब विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। भगवान बृहस्पति का ऐसा वचन सुन करके भगवान ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बृहस्पति, प्राणियों के उपकार के निमित्त बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं वे मनुष्य धन्य है। यह नवरात्र का व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र मिलता है, धन चाहने वाले को धन मिलता है, विद्या की इच्छा करने वाले को विद्या की प्राप्ति होती है, साथ ही सुख की इच्छा करने वाले को सुख की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग समाप्त हो जाता है और कारागार में जो मनुष्य बंधा हुआ है वह बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम विपत्तियां दूर हो जाती है तथा उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर के उपस्थित हो जाती है। बंध्या और काग बंध्या को इस व्रत को करने से पुत्र की उत्पत्ति होती है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत को करने से मनोबल की वृद्धि होती है। जो कार्य अभी तक सिद्ध नहीं हो पाया है, जो मनुष्य अलभ्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता है वह माता पिता से हीन हो जाता है, अर्थात उसके माता पिता अल्पायु को प्राप्त करते हैं और बहुत सारे दुखों को वह भोगता है। उसके शरीर में कई प्रकार से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उसके संतानोत्पत्ति कारक जो तत्व होते हैं वह भी समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार वह मूर्ख होकर के अनेक दुखों को भोगता है। इस व्रत को करने वाला निर्दयी मनुष्य धन और धान्य को प्राप्त करता है और सभी प्रकार से वह दयावान हो जाता है और सभी प्रकार के सुखों को भोगता है। जो बांधव या जो व्यक्ति इस व्रत को करता है या किसी के माध्यम से वह इस व्रत को करवाने का प्रयास करता है वह समस्त सुखों को भोग करके माँ की कृपा को प्राप्त करने लगता है। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस व्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर के सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुन करके बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर के सुन रहा हूं। आपकी शरण में आया हूं, आप मुझ पर कृपा कीजिए। उसी क्षण ब्रह्मा जी बोले, पीठत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का परम भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मनोब्रह्मा की सबसे पहले रचना हुई ऐसा यथार्थ वाली सुमति नाम की एक सुंदरी कन्या से, एक सुंदरी पुत्री से उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने घर के बालकपन में अपने सहेलियों के साथ में क्रीड़ा कर रही थी। इस प्रकार वह घर में बढ़ने लगी। जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है उसी तरह वह कन्या दिनों दिन बढ़ने लगी। उसका पिता प्रतिदिन माँ जगदम्बा दुर्गा की आराधना, पूजन या हवन किया करता था। उस समय भी वह प्रत्येक दिन नियम के साथ वहां पर उपस्थित रहती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देख करके बड़ा दुख हुआ और वह पिता क्रोधित हो गया
और क्रोधित होकर के पुत्री से कहने लगा कि अरे दुष्ट पुत्री, आज तुमने प्रातः काल भगवती के पूजन को नहीं किया है और तुमने भगवती के पूजन का अनादर किया है, अपमान किया है। इस कारण मैं तुम्हें किसी कुष्ठी या कोड़ी या फिर दरिद्री के साथ में विवाह करके भेज दूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन को सुनकर के सुमति को पहले तो बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूं, मैं आप के अधीन हूं, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा कुष्ठी अथवा और किसी के साथ भी जैसा आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर देना, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा हुआ है। मुझे अपने भाग्य के ऊपर पूरा भरोसा है। मनुष्य जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा हुआ है। जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल अपने कर्म के अनुसार प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है और फल देना देवताओं के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े तृणादि अग्नि को अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे निर्दयता भरे वचन जब उस ब्राह्मण ने कहे तो उस कन्या को भी थोड़ा बुरा लगा। वह अपने पिता से इस प्रकार कहने लगी तो ब्राह्मण को अधिक क्रोध आ गया। तब उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी व्यक्ति के साथ में कर दिया। तब उसने अत्यंत क्रुद्ध होकर के पुत्री से कहने लगा कि जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म के फल को भोगो। देखे केवल भाग्य के भरोसे रह करके तुम क्या करती हो और किस प्रकार अपना जीवन व्यापन करोगी। इस प्रकार अपने पिता के कटु वचन को सुनकर के सुमति मन ही मन विचार करने लगी कि अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति प्राप्त हुआ है। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ में वन को चली गई। भयावने कुशयुक्त उस स्थान पर उन्होंने रात बड़े ही कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा को देख करके भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर के सुमति से कहने लगी कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो, मैं प्रसन्न होने पर मन वांछित वरदान देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुन करके ब्राह्मणी कहने लगी, आप कौन हो और आप मुझ पर प्रसन्न होकर के इस प्रकार क्या करना चाहती हो। भगवती ने कहा कि मैं दुर्गा हूँ और मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्वकृत जो कर्म है उसके कारण मैं अत्यंत ही तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। तो वह ब्राह्मणी कहने लगी कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे लिए वह सब कर दो, अपनी कृपा की दृष्टि मुझ दीन दासी को प्रदान करो और मुझे कृतार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी के वचन को सुन करके कहने लगी कि मैं आद्याशक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होकर के प्राणियों का दुख दूर करके उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ। सुनो, तुम पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी, अति प्रतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर के जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुम्हारे और तुम्हारे पति को भोजन नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत तुम्हारा हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर के मैं तुम्हें वन वांछित वरदान दे रही हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा हो वरदान प्राप्त कर लो। इस प्रकार माँ दुर्गा के कहे वचन को सुन करके ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, कृपा करके मेरे पति के कुष्ठ रोग को दूर कर दो। देवी कहने लगी कि उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत के 1 दिन का पुण्य अपने पति के कुष्ठ के लिए समर्पित कर दो, अर्पण कर दो,
और मेरे व्रत के प्रभाव से, मेरे पुण्य के प्रभाव से मेरे पति, तेरा पति जो है कुष्ठ से रहित होकर के स्वर्ण के समान कांति वाले शरीर का हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार देवी का वचन सुनकर के वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से वह बोली, तब तक शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर के कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के समान चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देख करके देवी के अति पराक्रम वाली समझ करके स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली हो, तीनों जगत की संताप को हरने वाली हो, समस्त दुखों को दूर करने वाली हो, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होकर के मनवांछित वस्तु को देने वाली हो और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला की मेरे पिता ने कुष्ठी के साथ में विवाह करके मुझे घर से निकाल दिया है। उसकी निकाली हुई पृथ्वी पर मैं घूमने लगी हूं। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दीन हीन की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। इस स्तुति से देवी बहुत प्रसन्न हुई और बड़ा संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, उदालय नाम का एक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र आपके घर में उत्पन्न होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ भी तेरे मन में इच्छा हो वह मनवांछित वस्तु को मांग ले। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर के सुमति बोली कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे कृपा करके नवरात्रि के व्रत की विधि बतलाइए। हे दयावंती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हो, उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन को सुनकर के दुर्गा कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से समस्त पापों से छूट करके मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। आश्विन मास या चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के 9 दिनों तक विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए और कलश की स्थापना यदि आपके घर में होती है तो वह करना चाहिए और सभी प्रकार से देवी का अर्चन पूजन अवश्य करना चाहिए और घर में माँ का आराधन करना चाहिए और इस महात्म्य को जरूर सुनना चाहिए। इस महात्म को या कथा को जो कोई भी नवरात्र के दिनों में सुनता है, एक दिन सुनता है, 9 दिन सुनता है या फिर किसी भी दिन नवरात्र के दौरान या अन्य दिनों में सुनता है, निश्चय ही उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बतला करके माँ जगदम्बिका आदि शक्ति वहां पर अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्तिपूर्वक करता है वह इस लोक में सुख भोग करके अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्म मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। बृहस्पति जी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की है, जो अमृत के समान इस नवरात्र का महात्म सुनाया है। हे प्रभु, आपके बिना कौन इस महात्म को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन को सुनकर के ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुमने जो पूछा था वह मैंने बताया है और आदि शक्ति साक्षात जगदम्बिका है, जो कि तीनों लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन नहीं जान सकता है। इस प्रकार मैंने नवरात्र व्रत की कथा और विधि तुमको बतलाई है। इस विधि से जो कोई भी व्रत करता है या कथा को सुनता है, निश्चय ही उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और उसके घर में सब कुछ उसे प्राप्त हो जाता है। तो बोलिए, माँ जगदम्बा की जय। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय शततम नमः। नमः प्रकृते भद्राय निहितः प्रणतास्मताम् शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणी सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वितः
मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। तो मित्रों, आपसे हमारा विनम्र अनुरोध है कि इस दिव्य और ज्ञानवर्धक कथा को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।